वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल न्यूज के माध्यम से जो भी ताज़ा खबरें रहती हैं वह आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर अपडेट कर दी जाती हैं। वहीं हम आपको आज जो खबर लेकर आए हुए हैं वही आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि जो वीडियो हम आपको लेकर आए हैं वह आज बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं। तो वीडियो में क्या है वह हम आपको यहाँ पर पूरा बता देते हैं। पुलिस वालों को FIR करने से पहले यदि आप किसी थाने में किसी शिकायत से लेकर किसी समस्या से आप परेशान हैं, आप उस समस्या को लेकर आप कानूनी शरण में जाते हैं, आप थाने में जाकर आप FIR लिखवाते हैं, तो FIR लिखवाने से पहले अगर आप FIR लिखवाने जाते हैं और FIR लिखवाने से पहले आपको जो 6 बातें बताई गई हैं भाई, आपको 6 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 6 बातें हैं। पुलिस को डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले 112 पर कॉल करना है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पर जो कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम पर की गई हर एक कॉल रिकॉर्ड की जाती है। कल यदि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और यदि कोई पुलिस वाला यदि आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं करता है तो आपके द्वारा कॉल की गई 112 पर कॉल को आप कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में मंगवा सकते हैं और उस पुलिस वाले को अपनी कंप्लेंट आप किसी भी भाषा में लिखकर दे सकते हैं, चाहे वह आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो। यदि आप लिख नहीं सकते हैं तो आप उस कंप्लेंट को आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार का क्राइम हुआ है, क्राइम किस प्रकार से हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसा हुआ है और किसके माध्यम से हुआ है, आप बता सकते हैं। पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वह आपके द्वारा की गई कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करे और यदि किसी प्रकार से पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करने से मना करता है या रजिस्टर्ड नहीं करता है तो आप उसके तहत इस पर सेक्शन 154 CRPC, पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वह कंप्लेंट को रजिस्टर्ड FIR को रजिस्टर्ड करे और FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे। यदि कोई पुलिस वाला आपको FIR का पैसा लेता है या आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं करता है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आप संबंधित पुलिस बड़े अधिकारी के पास आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और अगर कोई कॉन्स्टेबल ऑफ हो जाता है, ड्यूटी ऑफ हो जाता है और वह कंप्लेंट आपकी नहीं लिखता है तो आप उसके ऊपर भी आप FIR दर्ज अधिकारी के माध्यम से आप करवा सकते हैं। 166A IPC के तहत आप उस वाला आप कोई FIR नहीं लिखता है तो आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, आप कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई कर सकते हैं और संबंधित बड़ा अधिकारी जो पुलिस विभाग में रहता है आप उसके माध्यम से भी कार्रवाई कर सकते हैं और 112 पे कॉल करके भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि ये जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं थी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप आगे किस प्रकार की आपको वीडियो पसंद करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस प्रकार का वीडियो यहाँ पर बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।